Hi, you're watching India Today and I'm in conversation with the Bindas babe of Big Boss OTT2, Bebika Durve. Firstly, welcome to India Today. It's my pleasure to have you here for a chat. Thank you. You were 2 months inside the house, locked up, away from your friends and family. Tell me, how was your journey on the show? Well, it was a fantabulous journey और मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसी journey किसी ने भी पूरे Big Boss season में या किसी दूसरे season में जी होगी. एक बहुत ही difficult journey रही है मेरे लिए, challenging journey रही है. एक underdog होने के बावजूद जो अपनी एक खाली झोली लेकर आई थी, आगे पीछे कुछ नहीं लाई थी, ना उसे कोई जानता था, ना वो पहचानता था, ना कोई फैन बेस था, ना कोई चाहने वाले. बट वहाँ से उभर कर मैंने बिग बॉस की ओरिजिनल ऑडियंस का प्यार जीता और इतना आगे आ पाई, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ब्रेक थ्रू है और एक ड्रीम कम ट्रू है. एंड टुडे व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी ऑन द शो, व्हिच मोमेंट्स ऑफ योर जर्नी डू यू फील वर योर हाईएस्ट हाइज एंड व्हिच वंस वर द लोएस्ट लोस फॉर यू? वेल, माई बॉन्डिंग विद साइरस सर एंड पूजा मैम, जब हम तीनों उनके ऑफिस में बैठते थे, एक स्पेस था और वहाँ तीनों बहुत ही अच्छी बातें करते थे, फन लविंग बातें करते थे, तो वो मेरे हाईएस्ट पॉइंट्स थे. और लोएस्ट वो था जब जैक का इंसिडेंट हुआ और मैं इतनी रोने लगी, इतनी इमोशनली बेविल्डर्ड हो गई, क्योंकि मैं कोई चीज़ घर वालों के सामने रखना चाहती थी कि मैंने जो सेंस किया या देखा, बट कोई मेरे पे बिलीव नहीं कर रहा था या कोई मेरी सुनना नहीं चाहता था और मुझे अनदेखा और अनसुना किया जा रहा था. और वो जब किसी ने सुनी नहीं मेरी, वो चीज़ अचानक एक आउटबर्स की तरह आ गई, तो वो मेरा लोएस्ट पॉइंट था. और इवन एल्विश का इंसिडेंट, जब उसने वैसी बात की थी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था यार, उसकी तरफ मैं बहुत पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल रही, मैंने उसमें हमेशा पोटेंशियल देखा. वो थोड़ा जजमेंटल हो गया, जो कि मैंने कहा था कि आप जज करोगे मुझे, तो बट कोई बात नहीं, इट्स ऑल गॉन. जो घर में था वो घर में था, तो ये मेरे लोएस्ट पॉइंट्स थे. एंड दो यूट्यूबर थे शो पे, दोनों ही फाइनलिस्ट बने, अभिषेक और एल्विश, आपको पर्सनली कौन डिजर्विंग लगता था शो जीतने के लिए? वेल, डे वन से एल्विश को स्क्रीन पे देख कर ही, वो वे बिफोर एंट्रिंग द हाउस, मैंने कहा था कि एल्विश में पोटेंशियल है, ये बंदा मुझे घर में चाहिए. और उसके कुछ मिनटों में वो घर में आ चुका था. और एल्विश से इंटरेक्ट करके, उसका रवैया देख के मुझे लगा था कि बस यार ये बंदे में पूरा पोटेंशियल है. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे शुरू से ही एल्विश में ज़्यादा पोटेंशियल दिखा. एंड इनिशियली व्हेन वी सॉ द इनिशियल एपिसोड्स ऑफ बिग बॉस, वी सॉ यू बॉन्डिंग विद मनीषा रानी, योर फ्रेंडशिप यू गाइस बॉन्डेड लाइक अ हाउस ऑन फायर, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो थोड़ा ऑफ हो गया था. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चेंज्ड इक्वेशन विद मनीषा? वेल, मनीषा ने अपने इक्वेशंस चेंज कर दिए अपॉर्चुनिटीज़ और कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन मैं उसे कम्प्लीटली ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी तो अभिषेक से बात बंद करके पूजा मैम और साइरस सर को चुन लिया. तो जिस वक्त जब आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो करते हो, लेकिन उसने थोड़ा ना दिल से कम और दिमाग से खेलना ज़्यादा शुरू कर दिया, तो वो बहुत ऑफ ट्रैक चला गया मेरे लिए, क्योंकि वो मनीषा नहीं थी जिससे मैं पहले हफ्ते मिली थी और जिससे मैंने इंस्टेंटली बॉन्ड किया था. तो बट जर्नी आगे चलती रही, अब जो घर में हुआ वो घर में छोड़ा है, और मुझे लगता है कि जो मनीषा मुझे पहले हफ्ते मिली थी अब आ चुकी है, तो आगे देखते हैं. मेरी तरफ से तो सारे दरवाजे खुले हैं, बाकी उसकी मर्जी. एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, डू यू रिग्रेट सेइंग एनीथिंग और डूइंग एनीथिंग टू एनीवन ऑन द शो? वेल, आई डू रिग्रेट इफ समबडीज फीलिंग्स हैव बीन हर्ट अननोइंगली, क्योंकि मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, बहुत मूवर्ट हूँ और फेस रीडर हूँ. हमारे खून में होती है ब्रूटल ऑनेस्टी, सच बोलो, जो दिखा वो बोलो, कड़वा हो, मीठा हो, अच्छा हो, बुरा हो, बट किसी का दिल दुखाने के लिए मत बोलो. मैंने कुछ भी इंटेंशनली किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बोला है, और बस अगर किसी का दिल मेरी वजह से दुखा हो तो वो मैं रिग्रेट करूँगी. Thank you so much, Bebika, for doing this interview. I wish you all the luck for your future. Thank you so much. Thanks so much. Cameraman Wahadat Khan ke saath Nirali, India Today, Mumbai.